इमरान खान ने बहावलपुर में एक अजीमो शान जलसा किया लेकिन इसमें स्पीच देते हुए वो काफी गुस्से में नजर आए इस गुस्से की क्या वजूहत है और क्या इमरान खान ने हकूमत को आखिरी वार्निंग दे दी है हमने देखा है कि बहावलपुर में एक तारीखी जलसा हुआ स्टेडियम भी पूरा भरा हुआ था और बाहर बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे इस जलसे में इमरान खान ने इस्लामाबाद को वार्निंग दी कि मुझे अब दीवार के साथ ना लगाया जाए और कहा कि लॉन्ग मार्च की कॉल दिन ब दिन नजदीक आती जा रही है इमरान खान ने कहा की मैंने अभी तक कुछ खास किया नहीं है और सिर्फ ये चाह है की पाकिस्तान के हालात खराब ना हो बल्कि ठीक हो जाए लेकिन अगर ये साजिश जारी रही और इलेक्शन की तरफ आप नहीं गए तो फिर मैं कॉल देने पे मजबूर हो जाऊंगा और आप लोगों को इस्लामाबाद में छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी इस बहावलपुर के जलसे में ये देखा गया कि इमरान खान की टोन बहुत सख्त थी उनकी बातों में गुस्सा था जिससे ये लग रहा था कि अब उनकी बर्दाश्त भी खत्म होने को है इमरान खान ने अपने जलसे में कहा कि जितना हुकूमत मुझे दबाएगी मैं उतना ही उभर कर बाहर आऊंगा इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमें टॉर्चर करके देख लिया अरेस्ट करके देख लिया मीडिया को बंद करके देख लिया लेकिन हक के साथ खड़े होने वाले अभी तक हक के साथ ही खड़े हैं इमरान खान ने अपनी स्पीच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ भी की और उनको सलाम पेश किया इमरान खान ने नौजवान को भी एक मैसेज दिया कि आप सब टाइगर फोर्स को ज्वाइन करें और घर घर मेरा पैगाम पहुंचाएं क्योंकि अब मेरी कॉल बहुत नजदीक है इमरान खान अपनी स्पीच में बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे और हर चीज के लिए अल्फाज सख्ती से इस्तेमाल किए जा रहे थे इमरान खान ने बोल और ए आर वाई न्यूज के बारे में भी बातें की इमरान खान ने कहा की मैंने अपनी एक स्पीच में सिर्फ ये कहा था की जिन्होंने हमें जमानत नहीं दी उनपे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे तो इस बात पे मुझ पर इन्होने परचे दर्ज कर दिए लेकिन मैं इस चीज को भी फेस करने को तैयार हूँ